तो हेलो स्टूडेंट्स, हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल चुका है कि हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है, कोवेरिएट शिफ्ट और इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे? बैच नॉर्मलाइजेशन से। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम जो बैच नॉर्मलाइजेशन वाली है वो कोवेरिएट शिफ्ट और इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट है, ये प्रैक्टिकली दिखती कैसे है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि हमारे पास डेटा सेट जो दिया हुआ है उसमें से सपोज दो फैक्टर्स हैं, एक CGPA और एक है LPA। ऑलराइट, नाउ इफ यू सी केयरफुली आपको एक अजीब सी प्रॉब्लम दिखेगी। जैसे हमारा CGPA से सपोज 7, 8, 10 मे बी 6 ऐसे कुछ भी है, और जो आपका LPA है सपोज वो 10,000, 20,000, maybe 50,000, I'm just taking random numbers, or say suppose 5,000. Now you can see here कि दोनों ही parameters में काफी difference है। ये एक integer value है, छोटी value है, 10 के आसपास की है, और ये thousands में है, right? दोनों का अगर हम contour ड्रॉ करेंगे तो कॉन्टूर क्यों, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो ये हो सकता है हमें वर्टिकली कुछ इस तरह की मिले, और हॉरिजॉन्टली देखें क्योंकि ये वैल्यूज काफी बड़ी हैं तो आपको एक स्कैटर्ड सा ग्राफ दिखेगा। तो मतलब आपको जब यहाँ से आना है, आपका मोटिव ये है कि ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचना है, ग्लोबल मिनिमा कुछ यहाँ तक है, तो हमें बहुत सारे इटरेशंस लेने पड़ेंगे, राइट? सो यू कैन सी हियर कि हमको अगर दोनों पैरामीटर्स को एक स्केल में लेकर आना है, राइट, हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है, देन वी हैव टू डू समथिंग, और वो जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो है बैच नॉर्मलाइजेशन। ऑलराइट, और यदि इसे प्रैक्टिकली देखें तो हमारा जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह का, यहाँ पर स्कैटर्ड टाइप का है, राइट? हमें इसे इस पोर्शन में लेके आना, अराउंड दिस यू नो मीन। राइट, तो हमारा जो मोटिव है वो कुछ ऐसा है कि हमें अपने इनपुट को नॉर्मलाइज्ड करना है। तो बेसिकली बैच नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? बैच नॉर्मलाइजेशन आपके डीप न्यूरल नेटवर्क को फास्ट कर देता है और स्टेबल कर देता है ना। इससे आप फास्ट भी हो जाओगे, आप ग्लोबल मिनिमा की तरफ जल्दी पहुंच जाओगे, और उसके बाद स्टेबल भी हो जाएगा, है ना। आपका ये जो इतना स्कैटर्ड दिख रहा है वो कुछ हद तक थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाता है। अब आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। आप जब पूरे नेटवर्क को कैलकुलेट या मॉडल को बना रहे होते हो तो आप या तो उसको नॉन आपके एक्टिवेशन फंक्शन के जस्ट पहले लगा दो या बाद में लगा दो, तो इससे आपका जो इनपुट है वो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाता है। जब आप एक्टिवेशन फंक्शन के बाद लगा रहे हो इसका मतलब आप दूसरी लेयर के लिए वापस से अपने इनपुट को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रहे हो, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गई है प्रॉब्लम क्या है, कि आपका CGPA है और ये जो आपका LPA है वो एक सेम स्केल में होना चाहिए जिससे कि हमें यूनिफॉर्मिटी मिले। तो इसकी एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करके, अगर आप ऐसा जीरो सेंटर्ड आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपके लिए बहुत सारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। हाँ, ये कोवेरिएट शिफ्ट और इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट है ना, यही है, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइज, आपने अपने इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से कर लिया कि आपको नेक्स्ट टाइम पे वो आसानी हो जाए। और इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट को भी आपने कैसे कवर कर लिया, आपने एक एरर को दूसरी लेयर्स में पास ऑन होने नहीं दिया। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको बैच नॉर्मलाइजेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। अब इसे टेक्निकली देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। टेक्निकली हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपने Z11 कैलकुलेट किया और उसको नॉर्मलाइज कर दिया। Z11 मतलब क्या होता है, आपका एक्टिवेशन सम जो आपने निकाला है, जैसे एक्टिवेटेड वेटेड सम जो निकाला है, तो वेटेड सम कैसे निकल रहा है, W1 इनटू जो आपका एक फर्स्ट इनपुट है, वेट मल्टीप्लाइड बाई इनपुट और वेट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इनपुट, है ना, ये आपका Z11 है। ऑलराइट, आप Z11 पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हो तो आपको आउटपुट मिल जाता है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर,
आपने वेटेड सम निकाला, उस पे आपने नॉर्मलाइजेशन लगा दिया, फिर उस नॉर्मलाइज्ड इनपुट पे आपने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, तब आपको आउटपुट मिल गया। अब एक तरीका और भी हो सकता है कि आपने वेटेड सम लगाया, उस पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाया और उसके बाद जो आउटपुट मिला उसको नॉर्मलाइज किया। दोनों ही तरीके काम करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है और सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है वो कुछ इस तरह, ये फर्स्ट वाला है जो कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। इसका मतलब आप वेटेड सम पे नॉर्मलाइजेशन लगा दीजिए, उसके बाद आप ज्यादा यूज होता है ये। ऑलराइट, सो अब बेसिकली हमने ये तो बता दिया कि ये हमने नॉर्मलाइज करना है वेटेड सम को, लेकिन कैसे नॉर्मलाइज करना है? तो Z11 को आप म्यू से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और वेरियंस से डिवाइड कर दीजिए। नाउ देयर कुड बी वन मोर ऑप्शन, ये एक तरीका है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका है कि यहाँ पर एक आप एरर टर्म भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। से सपोज अगर सिग्मा बी आपका जीरो हो जाता है, आपका वेरिएंस जीरो हो जाता है, तो उस केस में ये पूरी वैल्यू अनडिटरमाइंड हो जाएगी। तो उस केस के लिए हमने एक छोटी सी वैल्यू एप्सिलॉन डाल दिया, जिसको ये इंफिनिटी या इनफाइनाइट या अनडिटरमाइंड होने से रोकती है। राइट, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, मे बी 0.001 और 0.001, तो इससे आपकी पूरे टर्म को कहीं अनडिफाइंड होने से बच जाते हैं हम। नाउ व्हाट इज दिस, यू नो, म्यू, म्यू इज नथिंग बट द मीन। और मीन कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ Z11 फॉर आई लेयर, आईथ लेयर के लिए, वेयर यू नो आई विल बी वेरिंग फ्रॉम 1 to m लेयर्स, है ना। तो जितनी लेयर्स है उसने आउटपुट जो आप वेटेड सम निकला हुआ है उसको आप m से डिवाइड कर दोगे। इट्स नॉर्मल मीन, एवरेज वैल्यू। और सिग्मा बी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे निकालते हैं आप? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इससे, 1/m, एंड Z11 माइनस योर म्यू बी, दिस म्यू बी। ऑलराइट, तो आप इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। दोनों चीजें आपको जब पता, दोनों ही टर्म्स आपको पता है, आप इससे नॉर्मलाइज्ड टर्म निकाल पाएंगे। Alright, so now you know how to normalize the thing. अब दो हाइपर पैरामीटर्स और इंट्रोड्यूस होंगे जो कि कहलाते हैं गामा और बीटा। हमने नॉर्मलाइज करने के बाद दो पैरामीटर्स के बारे में बोला, गामा और बीटा। ये गामा और बीटा क्या होते हैं? रीस्केलिंग और ऑफसेट सेटिंग फीचर्स होते हैं या ऑफसेटिंग पैरामीटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? आपको रीस्केल करना है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्कैटर्ड है, राइट, तो उसको आप थोड़ा सा स्केल करते हैं ना, रीस्केल करते हैं। ऑलराइट, इसको आप हल्का सा, जैसे आप कह सकते हो कि एक हाइपर पैरामीटर जो आपके स्केलिंग को कंट्रोल करता है। ऑलराइट, और उसके बाद आप ऑफसेटिंग भी करते हो, ऑफसेटिंग मतलब शिफ्टिंग करते हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कहीं है तो आपको इसे रीस्केल भी करना है और ऑफसेट भी करना है। तो दो पैरामीटर्स इन दोनों चीजों को कंट्रोल करेंगे, जिसे हम गामा और बीटा कहते हैं। ऑलराइट, तो स्केलिंग के लिए गामा यूज होता है और ऑफसेटिंग के लिए बीटा यूज होता है। और ये कैसे करते हैं हम? हम इसे लगाते हैं आपके नॉर्मलाइज्ड डेटा सेट पे या नॉर्मलाइज्ड डेटा पे। जैसे आपका ये नॉर्मलाइज्ड है तो गामा इससे मल्टीप्लाई होगा और बीटा उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपको एक रीस्केल्ड और ऑफसेट पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। मतलब आप इसको शिफ्ट करोगे इस तरफ की तो रीस्केल भी करोगे आप और ऑफसेट भी करोगे। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैच नॉर्मलाइजेशन। थैंक यू।